अंबेडकर नगर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ अंबेडकर नगर ने काला दिवस मनाते हुए सांसद अंबेडकर नगर द्वारा श्रीमती स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि भारत के पूर्व लोकप्रिय नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा गणित हिंदी अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान आदि विषयों को पढ़ाने हेतु एक योजना मदरसों में आधुनिकीकरण के तहत मदरसों में आधुनिक शिक्षकों की नियुक्तियां कराई गई, जिसकी वजह से मदरसों के बच्चे भी मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। यह योजना पंचवर्षीय योजना है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस योजना का रिन्यूअल होता है। यह योजना 29 वर्ष पुरानी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 22,000 शिक्षक मदरसों में कार्यरत है। यह योजना पिछले 27 वर्षों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। उस समय आप महोदय द्वारा हम शिक्षकों के रुके हुए मानदेय को निर्गत कराने का आदेश दिया था, जो कि बहुत ही सराहनीय रहा है। मदरसों के कार्यरत आधुनिक शिक्षकों की ज्वलंत समस्याएं इस प्रकार हैं। योजना का नवीनीकरण प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना का नवीनीकरण नहीं किया गया है। इस योजना का तत्काल नवीनीकरण कराया जाए तथा उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की तथा उत्तर प्रदेश में मदरसा में कार्यरत मदरसा शिक्षकों की वित्तीय वर्ष 2021-22 के मानदेय की अवशेष धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 का मानदेय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कराया जाए। इस योजना में लंबे समय से कार्यरत उत्तर प्रदेश से 1562 मदरसों के शिक्षकों का वित्तीय वर्ष 2022 का मानदेय अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत नहीं किया गया है, जबकि इन मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय की डिमांड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। इन मदरसों के शिक्षकों का मानदेय तत्काल निर्गत करवाया जाए। इस योजना में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय में पिछले कई वर्षों से किसी प्रकार की कोई मानदेय वृद्धि नहीं की गई है, जो कि बड़े ही खेद का विषय है। महंगाई को देखते हुए एवं शिक्षकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिक्षकों के मानदेय सम्मानजनक वृद्धि की जाए। साथ ही मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को बहाल किया जाए। इस अवसर पर मुख्य रूप से कपिल गौड़, सलमान अतीउल्लाह, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद खलील, कुमिल अहमद, मुनव्वर अली, मोहम्मद सोहराब आलम, मसरूफ आलम, सलीमुल्लाह हाशमी, खुर्शीद आलम, गुफरान अहमद, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इकरार, जुबीर अहमद, जहांगीर खान, मोहम्मद इस्माइल, दिलीप कुमार, परवेज अहमद, खुर्शीद अहमद, मोहम्मद अक्रम, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अजमल, मोहम्मद आजम, मोहम्मद अतीक, अब्दुल्ला खान, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद रईस, शकीरा खातून समेत अनेकों लोग मौजूद रहे।